हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी वेबसाइट को हम अपने कंप्यूटर में पूरी तरह से कॉपी कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इस बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो हमारे बहुत काम की होती हैं और हम उनको ऑफलाइन चलाना चाहते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर की टाइपिंग सिखाने की कोई वेबसाइट है या कोई रिजल्ट देखने वाली वेबसाइट है, तो इस या फिर हम कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके जो वेब पेज हैं वो उसी तरह के वेब पेज हम भी बना सकें, तो आप किसी भी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में कॉपी करके रख सकते हैं। बाद में उनमें कुछ चेंजेस करके उस वेबसाइट को आप अपलोड करके उसको यूज में ले सकते हैं। तो कैसे इन वेबसाइट को हम कॉपी करते हैं, आइए देखते हैं इसे हम कंप्यूटर के ऊपर। सबसे पहले आप किसी भी डिफॉल्ट ब्राउजर को ओपन करके यहाँ गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च बार पर आपको लिखना है htrack, ये आपको टाइप करना है। जैसे ही आप इसको टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए जो पहली आपको लिंक दिखाई दे रही है htrack.com, इसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन हो जाने के बाद यहां आप डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर htrack की बहुत सारी लिंक दिखाई दे रही हैं जो कि अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अब ये आप देख लीजिए कि आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो उसको आप ओपन कर लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 7 है या विंडो 8 है तो ये पहली वाली जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोड होने लगी है। अब जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती है अब आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाने के बाद ये जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको ये दिखाई देगा। अब आप किसी भी वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम, तो यहां आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। जिस तरह की वेबसाइट है आप उसी तरह का उसका नाम दे सकते हैं तो उसी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और सारी की सारी फाइलें उसी फोल्डर के अंदर आ जाएगी। तो जैसे यहां पर अभी हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया माय वेबसाइट। अब नीचे यहां आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि इस माय वेबसाइट का जो फोल्डर बनेगा या जितने भी कंटेंट्स इसके अंदर आएंगे इसको कहां पर आप रखना चाह रहे हैं। तो यहां अभी हम इसमें सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहां नेक्स्ट को प्रेस कर देंगे। अब यहां पर आप उस वेबसाइट का यूआरएल लिखेंगे जिस वेबसाइट को आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट को खोल लेते हैं जिसे हमें डाउनलोड करना है। जैसे हमारी ही एक वेबसाइट है knowledgeforutech.com, इसको हम ओपन करेंगे या आप यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं www.knowledgeforutech.com या फिर उस वेबसाइट को ओपन करके एड्रेस बार पर ये जो URL आ रहा है इसको यहां से आप कॉपी करेंगे और इस लोकेशन पर यहां पर आप उसे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहां पर फिर से नेक्स्ट प्रेस करेंगे और फिर फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हमने फिनिश पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रही है हमारी ये वेबसाइट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। वेबसाइट जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको डाउनलोड होने में। अगर कोई वेबसाइट छोटी है तो उतनी ही जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो यहां अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये देखिए ये हमारी वेबसाइट पूरी तरह से कॉपी हो चुकी है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट है ये कॉपी कहां पर हुई है, तो इसके लिए अब हमें यहां माई कंप्यूटर को ओपन करना होगा। वहां पर हमने सी ड्राइव की लोकेशन दी थी तो हम यहां पर सी ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये देखिए एक फोल्डर बना हुआ है माय वेबसाइट
जिसमें वो पूरी वेबसाइट के कंटेंट्स हैं जिसको हमने डाउनलोड किया था। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ ये देखिए सभी वेब पेजेस और उससे जुड़े हुए सारे कंटेंट्स इस फोल्डर में आ चुके हैं। अगर इसका हमें होम पेज को ओपन करना है तो यहाँ ये देखें इंडेक्स वाली फाइल ये दिखाई दे रही है। अगर इसको हम ओपन करते हैं किसी भी ब्राउजर पर, यहाँ इस फाइल पर राइट बटन क्लिक करेंगे, ओपन विद क्रोम या मोजिला जिससे भी आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम अभी क्रोम के माध्यम से उसको ओपन करें तो ये पेज उसी तरह से ओपन हो गया है जिस तरह से हम इसको ऑनलाइन ओपन करते थे। अगर इस वेबसाइट में या इस वेब पेज में जो भी चेंजेस करना है हम यहाँ अब इसमें ऑफलाइन करा सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट को हम डाउनलोड करा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के हम और भी आगे आपको कंटेंट्स देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरों के लिए जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। धन्यवाद।